तो आज सुबह का गाइस ना क्रेडिट सीन आया यार, वो आया था एकदम फ्रैंकलिन के घर का। और फ्रैंकलिन के घर के अंदर से निकलता है लैमार और सामने खड़ी होती है उसकी मदर। बट अपनी मदर को समझा रहा होता है कि यार देखो ये ड्रग डीलिंग ठीक नहीं है, मेरे समझ से परे, और ये सब मतलब जो भी दो नंबर के काम है ना उनसे बहुत दूर रहो, इलीगल काम है, उनसे मतलब कभी भी जेल हो सकती है, पकड़े जाएंगे भाई सब जाएंगे। बट लैमार समझाता है कि यार हम लोग स्टार्टिंग से यही काम करते आए हैं और इसी चीज़ में पैसा है। माइकल बहुत समझाने की कोशिश करता पर यार नहीं मानते हैं भाई, और इन सब में आग लगाने बीच में आ जाते हैं हमारे ट्रेवर भैया, क्योंकि ट्रेवर यार हमेशा कमीना एंट्री मारता है। और ये देखो भाई ट्रेवर यहाँ पे पीछे से आ गया था, खड़ा पड़ा था और आ नहीं रहा था, और ट्रेवर ने आते ही खन्ना फ्रैंकलिन की बातों में और नमक डाल दिया। उसने भाई लोगों को बता दिया कि देखो बस ड्रग डीलिंग से ही पैसा मिल सकता और कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। और भाई वो उसकी फ्रैंकलिन की मदर को चढ़ा देता है कि यार देखो पैसा ना दो नंबर का ही सबसे अच्छा पैसा है, और ड्रग डीलिंग में इतना पैसा है ना वो थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी करने लगता है उसकी मदर के साथ। बड़े अब फ्लर्टिंग के बाद भाई ये उसको करीब $7 देता है यहाँ पर कि ठीक है तुम ये $7 देख रही हो ना ये बिल्कुल फ्री के है, अगर ऐसी डीलिंग चलती रही ना तो 7 की जगह पर हम $7,000 भी ऐश कर सकते हैं, तो तुम अभी जाओ तब तक हम अपनी डीलिंग निपटा कर आते हैं और फ्रैंकलिन हमारे साथ डीलिंग पे जाएगा। बट यहाँ फ्रैंकलिन मना करता है, बट बोलता है कि तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई बगैर डीलिंग के, क्योंकि तू कोई लीगल काम नहीं करता है, तेरी कोई दुकान नहीं है। बट फ्रैंकलिन समझाने की कोशिश करता है बट यार फ्रैंकलिन की बात कोई नहीं समझता। लैमार बोलता है चल ठीक है लास्ट टाइम करते हैं, एक दो और करेंगे उसके बाद ऐसी डील्स नहीं करेंगे आगे। बट भाई लैमार के काफ़ी समझाने के बाद भी भाई ट्रैवर उसे बोलता है चल ठीक है अच्छा फाइनल वाली कर ले उसके बाद देख लेंगे यार, क्योंकि इसमें तगड़ी डीलिंग है, मतलब ये जो ड्रग्स खरीदूँ ना उसमें बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो भाई ये बात सुन के फ्रैंकलिन मान जाता है, बोले ठीक है यार लास्ट है तो देख लेते क्या ही सीन होगा। तो फटाफट से भाई वो बैठ गए वैन के अंदर, क्योंकि अगर नहीं बैठता भाई तो फ्रैंकलिन की जो धज्जी उड़ने वाली थी पैसे ख़त्म हो गए थे फ्रैंकलिन के पास टोटली। अभी ये लोग बैठ गए और भाई ट्रैवर ने पूरी लोकेशन बताई है और ड्राइवर ने लोकेशन बताई है और लैमार का कस्टमर है और फ्रैंकलिन तो बस बेचारा गाड़ी चला रहा है। मतलब देख रहे हो तीनों बंदों को सेपरेटेड वर्क दिए गए, मतलब जो है ड्राइवर है उसको लोकेशन पता है, लैमार ने डील करी है और फ्रैंकलिन हमारा गाड़ी चला रहा है। और भाई ये रही वो लोकेशन जहाँ इनको आना था, ठीक है यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं। और देख रहे हो यार बाहर ही मतलब ये GTA सैन एंड्रियास जैसा था ना, वहाँ पे जो हमारे पहले वाले करेक्टर का हाउस रहता था वो इसी एरिया में रहता था। बट यहाँ पे तो ड्रग डीलिंग चलने लगी भाई, थोड़ा मैप वैप भी चेंज हो। और ये रहा भाई सामने उस डीलर का घर। अब यार डीलर से तो डीलिंग करने आया बट फ्रैंकलिन सबसे पीछे है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई पंगा हो, क्योंकि पंगा तो होना आम बात है भाई, बाहर बहुत सारे बंदे खड़े हैं दो नंबर वाले। और यहाँ ड्राइवर से बोल रहा है कि यार देख शांति बनाए रख। ओ भाई देख रहे हो यार, ओ भाई ये इन्हें पासकोड बनाया है कि भाई कोरियर बॉय हम लोग, और माल लेने आया तो उसने कहा माल दिखाओ भाई, उसने पूरा बैग दिखा दिया उसको। और भाई उन्होंने गेट अच्छा ठीक है क्लोज नहीं किया था, ओपन कर लिया और भाई वो चेक ये क्या भाई इसके हाथ में तो सैंपल, ओके ठीक हाथ में वो सैंपल लेकर आया और वो माल चेक करा रहा है। और भाई ये लैमार चेक कर रहा है इसको, ओ भाई गांजा बिक रहा है इधर, गांजा ड्रग डीलिंग हो रही है। ओ भाई लैमार एकदम खुश है। बट यहाँ पे यार फ्रैंकलिन बोल रहा है फटाफट से लो और निकलो, पर यह ड्राइवर बोलता है कि मुझे टेस्ट करना है दूसरी साइड से। वो बंदा मना करता है कि दूसरी साइड से नहीं मैं यहीं से टेस्ट कराऊंगा। ओ भाई इसने तो छीने झपटी में तोड़ डाला, ये क्या था ये भाई धोखा, मतलब ड्रग्स थोड़ा सा था और वो पूरी सी जो बॉक्स दिखा रहा था उसमें बॉक्स में कुछ भी नहीं था। ओ भाई इधर तो फाइट हो गई, इस बंदे ने अपने बंदे बुला लिए कि भाई ये लोग सब धोखेबाज हैं। ओ तेरी भाई यहाँ तो लिव फायर, उसकी भैंस की टांग, अब तो भाई निकालनी पड़ेगी गन। अबे कहाँ चल, ओ भाई इसने तो ठोक दिया, फटाफट गन निकालो वरना मारे जाओ उधर बैठे बैठे। भाई लैमार का डॉग कहाँ जा रहा है भाई, भाई इन्हें तो पूरी फौज बुला ली। चलो निपट लेते हैं सबसे कितने ही बंदे हैं भाई, क्योंकि मेरे पास तो टोटल ऑटो गन है तो मुझे कोई सीन नहीं है कितने ही बंदे होंगे इनके। भाई अपने पास इतनी सारी गन्स है ना, इतनी गन्स है कि इतने इनके बंदे नहीं होंगे जितनी अपने पास गन्स है। भाई गन्स फुली लोडेड है, मैं तो कोई सी भी निकाल सकता हूँ। और ये दो बंदे और आ गए तो पहले रिलोड कर लेता हूँ फटाफट से और बैठे बैठे क्राउच करने की कोशिश करता हूँ। क्राउच में यार क्या है ना सीधे डायरेक्शन पे नहीं लग पाता है एम, क्राउच में थोड़ा सा इधर उधर रहता है एमिंग। बट अभी देख लो सीधे बुलेट्स लग रहा है, ये रहा एक पीछे कोई बंदा, इस पर भी लगी दो बुलेट्स, बहुत सही। ओ भाई
ये तो देख रहा हूँ मतलब ड्रिफ्टिंग करते हुए आ रहे हैं भाई, बहुत तेज़ है बंदे यार। अरे मुझे लगता है अभी ड्राइवर के उस पर जाना पड़ेगा, बट यार मेरे सामने भी बहुत सारे बंदे हैं तो पहले मैं इन्हें निपटा लेता हूँ, फिर जाऊँगा ड्राइवर के कैरेक्टर में। ओ भाई एक से एक बंदा निकल ही आ रहा है, कहाँ से निकल निकल के आ रही है। ओ भाई हमारा ड्राइवर तो उल्टी सीधी गोलियाँ चला रहा है ऊपर नीचे, ठीक है शट डाउन। ड्राइवर के पास कोई बंदा नहीं, बट ड्राइवर को भी मुझे लगता है एक दो बंदे मारने ही उसको मिशन मिला है, तो मैं फटाफट से यहाँ के बंदों को निपटा के ड्राइवर के कैरेक्टर में चला जाता हूँ, क्योंकि भाई ड्राइवर को ही लगता है मुझे मारने हैं। तो अरे भाई यार इसको तो शॉटगन मिली हुई है, चलो मैं इसके शॉटगन से एक दो बंदों को न... ओ भाई तो तगड़ा था ना तीर, मतलब बुलेट भाई साहब कितना ब्लड कितना निकल रहा, मतलब ये ना छर्रे वाली गन होती है कि एक बुलेट चलती है उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स खुल जाते हैं हवा में, तो बहुत सारा ब्लडिंग सा वहाँ पे एकदम दिखाई देता है। तो फाइनली यार दो चार बंदे ही रह गए हैं बस, बाकी सब ऑलमोस्ट निपट चुके हैं, बट मुझे लग रहा है यार ज़्यादा ही गोलीबारी हो गई। और भाई नीचे देख रहे हो बॉडियाँ कितनी पड़ी हुई हैं, पुलिस आने वाली है कुछ ही टाइम में, तो यार इन बंदों से बचने के लिए तो कुछ करना। ओ भाई अरे भाई उनने पेल दिया ये, अबे कहाँ से आ रहा है पीछे यार ये बंदे, पता नहीं कहाँ कहाँ से मरे गिरे आए पड़े। देखो वो फिर से खड़ा हो रहा है, ये ले भाई खर्चा पानी ले पूरा, ये देखो बंदा देख रहे हो मतलब अंदर बैठा हुआ है, होश नहीं है पर फिर भी पर मर चुका है। तो हम आगे वाले बंदों को टारगेट करते हैं, और भाई बंदे यार ख़त्म ही नहीं हो रहे आना, वो देख रहे हो मतलब आगे पड़ा हुआ है बट गोली चलाए पड़ा है, मतलब अभी भी जिंदा है क्या। अरे भाई बंदे यार गली गली से निकल, ओ भाई पुलिस के सायरन की आवाज़ और 3 स्टार पुलिस लग गई है। अब मुझे लगता है यहाँ से निकल लेना ही सही है, क्योंकि इन बंदे तो ये सारे गायब हो जाएंगे और हम लोग पकड़े गए ना तो हड्डी टूट जाएगी। और यहाँ से यार ना ड्राइवर को सबसे पहले भगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ड्राइवर अगर नहीं भगाना तो बड़े एल लग जाने हैं। तो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं भाई, अरे भाई जल्दी निकल वरना ड्राइवर को ही पुलिस पकड़ ले, पता चले लैमार का मिशन है ड्राइवर की लोकेशन के चक्कर में ड्राइवर के लग जाए। तो फटाफट से भाई ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये रही बोट्स, हम बोट्स को लेकर निकल लेते हैं ताकि जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। वो भाई यहाँ तो शूटिंग चल रही है भाई, मूवी शूटिंग बहुत से ऐसे हाथ ऊपर खड़े रहो, चलो एक दो को ठोक भी देते हैं। तो मैंने प्रोड्यूसर और कास्ट कैमरामैन को पेल दिया है, अभी फटाफट से हम यहाँ से बोट निकाल लेते हैं, लेकर यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ बोट रोकना ठीक नहीं। और ये देख रहे हो यार प्रोड्यूसर भाग रहा है बहुत तेज़ी से अपने बचने के लिए, बड़े यहाँ पे बच नहीं पाएगा भाई। ओ भाई ये गाड़ी और कहाँ से आ गई है, ये गाड़ी मुझे लग रहा है कुछ ही देर की है, क्योंकि हम तो यार सूखे में मतलब हम तो पानी में और वो एक साइड है, तो ये गाड़ी बस यहीं तक आई थी, ख़त्म उसका खेल। अरे यार ये पुलिस से तो बचना पड़ेगा मुझे कुछ टाइम के लिए, तो पुलिस से तो बचने की तरफ बात नहीं है, हमें बस साइड से निकलना और कुछ इशू नहीं है, क्योंकि पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, पुलिस बस ऊपर हवा में उड़ती रहेगी देख रहे हो ऐसी बस। ओ भाई कहाँ सीधे चलना है, उनके साथ रहना है मुझे बस। मैं इंडस्ट्रियल एरिया में ना आपको बहुत सही से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ कुछ ना कुछ बना हुआ है देख रहे हो, तो छोटे छोटे पुल भी है जो पानी से निकले हुए हैं, तो आपको बहुत सही से चलना पड़ेगा देख रहे हो, ऐसे टंग जाओगे कहीं पर भी रुक सकते हो, तो आपको बहुत स्पीड। और भाई पुलिस वाले धड़ाधड़ गोली चलाए पड़े ऊपर से, तो वो नीचे एकदम बुलेट्स जैसे पानी में लगता है ना, पानी उड़ता है वैसा सब कुछ दिखाई दे रहा भाई। तो हमको फाइनली यार फटाफट से यार सीधे मिशन आ रहा है कि भाई पुलिस से बच जाओ, ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो पहले तो मैं फटाफट पुलिस से बचूं। और भाई यार ये फ्रैंकलिन किधर गया यार, मुझे फ्रैंकलिन नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं यार मुझे लगता है ना फ्रैंकलिन ने शायद शॉर्टकट मार लिया है, तो मैं लैमार के साथ ही रहता हूँ, वरना पता चले फ्रैंकलिन के साथ मेरा भी पत्ता कट जाए। ओ भाई मैं बोट को चला रहा हूँ पानी के ऊपर, नहीं घास मतलब घास भी नहीं है तो रेत है उसके ऊपर चला रहा हूँ, बट वो चल नहीं रही थी बस ड्रिफ्ट कर रही थी, तो इधर जा रहा है लैमार। ओ भाई ऊपर पुलिस वाला है, लैमार देख पा रहा है तू शाणे, गन निकालो फटाफट से। ओ भाई अबे कहाँ फंस गया मैं, अरे भाई ये कैसी जगह है यार, ये यार समुद्र के पास ना ऐसी थोड़ी जगह होती है सही से चल नहीं पाते हो, तो फटाफट से यार मैं पुलिस को खर्चा पानी देता हूँ। ओ ये लैमार बच के कैसे भाग गया भाई, इसने मारा नहीं क्या पुलिस वालों को, वो पुलिस वाले तो यार इतने सारे कहाँ चला गया यार ये, अबे लोड करने का टाइम नहीं है इस टाइम। हो भाई एकदम सर पे मारी उन्हें मत्थे पे, एक ही बार में बंदा पूरा ही आउट हो गया। तो भाई इधर से ना अभी तो कुछ नहीं है, तो पुलिस वाले की कार उठा के निकल लेता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो रुकना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। और लैमार यार पता नहीं किधर भाग गया यार, हमने थोड़ी ना मारा था पुलिस वालों को, हमारे पीछे ही सिर पड़ी है, लैमार को नहीं पकड़ा। तो यार मुझे लगता है ना लैमार को यहाँ से लेके चलना पड़ेगा, वरना लैमार के चक्कर में अपने भी बांधे लग जाएंगे। तो फटाफट से यार ये देख रहा हूँ मतलब बंदा, तो
वो मेरे पे गोली चला रहा है, वो लेमार आगे से भाग रहा है, उससे कुछ नहीं कह रहा है, मतलब पूरा डीलिंग का सामान उसके पास है, पैसा उसके पास है, लेकिन मारो किसको ट्रेवर को, क्योंकि ट्रेवर हमारा शकल से ही चोर लगता है, और लेमार तो मतलब ठीक है बंदा लेमार, बट यार ट्रेवर इतना भी हरमखोर नहीं है। तो यहाँ से यार फटाफट मेरे को सबसे पहले तो अपने जो मिशंस मतलब जो स्टार्स हैं पुलिस केस हैं उनको हटाना है। तो पुलिस केस हटाने का बस यही तरीका कि भाई आपको रोड पे नहीं चलना है GTA में, अगर रोड पे चलोगे तो पुलिस कभी नहीं हटने वाली है, तो चुपचाप आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ, पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वे ना हो पर्टिकुलर, तो अब उन जगह पे रोकना, तो कुछ टाइम तक रहने के बाद आपका अपने आप ही जो स्टार्स है पुलिस केस है वो हट जाएगी। मतलब अभी तुम देखना मैं बिल्कुल भी रोड की तरफ नहीं जाऊँगा, तो अपने आप ही वो हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मैं देखो कुछ देर अभी और यहाँ रुकना पड़ेगा, और बस ऐसी जगह पर देखो कार सीधी नहीं चलने वाली, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट यार इससे निकल ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी ये सीधी होने वाली है, बहुत कोशिश कर ली मैंने, बट ये देखो स्टार्स भी ख़त्म हो गया, मतलब पुलिस केस ख़त्म हो गया, तो मैं फटाफट से निकल लेता हूँ, पर ये लेमार भी मेरे अंदर ही निकला क्या, तो फटाफट से मैं गन हटा लेता हूँ, और मुझे यहाँ एक साइड में कार मिल गई थी, और लेमार थोड़ा लेट आया भाई, पता नहीं क्या रास्ते में हल्का होने लगा था, तो लेमार भी जब ही आया तो फटाफट से मैंने भाई गाड़ी, और गाड़ी बहुत सेक्सी थी, मतलब इसके सस्पेंशन इतने ख़तरनाक थे ना, गाड़ी चल नहीं उड़ रही थी भाई, ये देख रहे हो ना, मतलब एकदम ख़तरनाक गाड़ी थी, मज़ा आ गया भाई चला कर इस गाड़ी को, बहुत ही सही गाड़ी थी, और इस गाड़ी को अब लेकर सीधे निकलना है भाई लेमार की लोकेशन पे, क्योंकि लेमार की लोकेशन पे पहुंचने के बाद ही हमें इस मिशन का पैसे मिलेंगे, और ये मिशन कंप्लीट होगा, तो फटाफट से यार हम लेमार को लेमार की लोकेशन पे भेज देते हैं। यार तो मैं बहुत तगड़ा ले रहा हूँ शॉर्टकट, मैंने इतना तगड़ा शॉर्टकट, ओ भाई क्या था ये शॉर्टकट जैसा, तो फिलहाल मुझे लेमार की लोकेशन पे भेजना है, तभी ये मिशन कंप्लीट होगा। तो यार लेमार की लोकेशन मुझे लगता है लेमार का घर ही है, तो देख लेते हैं भाई लेमार का घर, कि यार सामने देख रहे हो इंडस्ट्री कितनी ख़तरनाक है, ओ भाई बस सारे यार सारे इंस्ट्रक्टर पोल्स ना सभी उड़ा देता है ये, तो इससे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी हल्का सा इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ना, तो ये देख रहा हो बंदा, ओ भाई आराम से भाई देख रहे हो, सारे इंस्ट्रक्टर उसने कबाड़ा कर दिए हैं, सब कुछ निकाल दिया, गाड़ी का कुछ भी नहीं छोड़ा है, पर भाई फ्रंट का शीशे में तो कुछ हुआ ही नहीं है, और शीशे हैं भी नहीं उस कार में, तो भाई ड्राइवर तो वैसे ही अंधाधुंध गाड़ी चलाता है, उसने अपने ट्रक की ऐसी तैसी कर रखी है, तो इस गाड़ी को क्या ही छोड़ेगा वो, और लास्ट टाइम तो भाई उसका ट्रक ही कोई ले गया, मतलब घर पे उसकी ट्रक ही नहीं था, छोटा वाला मिनी ट्रक था, उस पे बैठ के घूम रहा था लास्ट टाइम, तो अभी फिलहाल अब थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, बट यहाँ मिशन तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, और उन बंदों से भी ट्रक्स मिला नहीं, पैसा चलो पैसा बच गया सारा, ये अच्छा है, बट इसमें से अभी डीलिंग जो नहीं हो पाई, बट उसमें पैसा पूरा मिलेगा ड्राइवर को, तो नेक्स्ट मिशन में ज़रूर एक अच्छी सी कार लेंगे। तो फाइनली यार हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं यहाँ लेमार की, बट यार मैं इधर उधर थोड़ा ज़्यादा भटक रहा हूँ, ये रहा लेमार, अरे भाई मतलब थार लेके घूमोगे तो कहीं भी घुसेड़ दोगे हैं, तो भाई ये रहा लेमार का घर, लेमार चला गया अपने घर, बोल रहा है कि मैं अपना पहला पैसा छुपा दूँ, तू आराम से गाड़ी में बैठ, तब तक मैं पैसा छुपाता हूँ, तो भाई जब तक उसने पैसा छुपाया तब तक मैं गाड़ी से निकल ही नहीं पाया। फाइनली यह मिशन हो गया कंप्लीट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।